नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज, मैं हूं राजेश्वर चौहान। ये जो विकास कार्य आप देख रहे हैं, कर तो सरकार रही है पर सरकार से काम कराना कोई आसान नहीं है। इसमें भाग दौड़ लोगों को करनी होती है और हम आपको ऐसे ही एक शख्स से मिलाने वाले हैं। हम हैं इस वक्त त्रिलोकपुरी 18 ब्लॉक में और एक सोशल वर्कर हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा काम सरकार ही करती है, पर इस बीच जो भाग दौड़ होती है, जो पेपर वर्क होता है, वो अच्छी तरह निभाते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, लोगों की ज़रूरत में उनके काम आते हैं और उन्हीं में से ये जो काम देख रहे हैं एक ये, तो हम आपको मिलवाना चाहते हैं। आइए चलते हैं। मैंने आपको बोला था मैं मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जो विकास के जो काम होते हैं, पाइपलाइन हो, सीवर हो या फिर कैमरे लगाने हो, कुछ भी ऐसा काम, वो सरकार के माध्यम से उन कामों को कराते हैं, भागदौड़ करते हैं लोगों के लिए, लोगों की जो मूल सुविधाएं हैं वो लोगों को पहुंचाते हैं, बताते हैं कि क्या क्या आपका हक है और क्या मिलना चाहिए। तो ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जिनका नाम है नवीन चंदेलिया और आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। स्वागत है नवीन जी आपका। बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा नाम नवीन चंदेलिया, त्रिलोकपुरी विधानसभा से और ब्लॉक नंबर 18। मैं जेएनएन न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। त्रिलोकपुरी विधानसभा में जैसा कि लोगों ने मुझे समस्या बताई और उस समस्या का निवारण करने के लिए लोग मेरे पास आए और उन्होंने अपनी समस्या बताई और उसका निवारण करने के लिए मैंने पुरजोर तरीके से मैंने कोशिश करी। और जब मुझे लगा कि लोगों ने और तरह की अलग अलग समस्याएं मेरे सामने रखी, जैसे कि 19 ब्लॉक में नालों की जो सिल्लियाँ थी जो पहले नहीं लगी थी, उन नालों पर सिल्लियों को रखवाने का जो कार्य हो गया, इसके अलावा जब जनता को मेरे पर और विश्वास हुआ, बिलीव हुआ कि एक व्यक्ति है, अगर उसके पास जाएंगे और उसके पास ये समस्या रखेंगे तो समस्या का निवारण जो है किया जा सकता है। नवीन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था जी, आप बहुत यंग हैं जी, क्योंकि आज की जो जनरेशन है मैं देख पा रहा हूँ कि वो सोशल वर्क नहीं कर रही है, लोग आजकल अपने लिए जीना चाहते हैं जी, तो आप में ये कैसे प्रेरणा मिली कि मैं लोगों के लिए बेहतर काम करूँ, लोगों की मदद कर पाऊँ इस माध्यम से, ये कहाँ से आपको रुचि हुई? देखो जी, जैसा कि मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ। डिग्रियाँ तो सब बड़ी बड़ी हासिल कर लेते हैं लेकिन जब तक हम उन डिग्रियों का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों में नहीं करेंगे तो डिग्री हमारी बेकार है। क्योंकि लोग अपने लिए ही जी रहे हैं, एक बार दूसरों के लिए जी के देखो कि कैसे उनके घरों में समस्या है, कैसे उनके रोजी रोजगार जो थे वो छीनते जा रहे हैं। और जो लोग हैं जो सत्ता प्रशासन में बैठे हुए हैं वो लोग कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जब मुझे ऐसी समस्याएं सामने आती है, जनता की समस्या मेरे समक्ष आती है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस समस्या को हल कर पाऊँ। अच्छा नवीन जी, एक चीज़ बताइए, तो अधिकतर कैसी समस्या लोग आपके पास आते हैं लेकर, कि क्या उनको परेशानियाँ हो रही हैं और उनके निवारण के लिए फिर आप क्या कदम उठाते हैं? समस्याएँ तो सर सामाजिक हैं सारी, जैसे कि पानी की पाइपलाइन की समस्या को लेकर, कैमरे हो गए, और इसके अलावा जो नालों की जो सिल्लियाँ थी, जो काम होना था वो कार्य नहीं हुआ था। तो एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ कि एक्सीडेंट हो गए थे, वहाँ पे कुछ बच्चे खेलते खेलते जो है उस नाले में गिर गए थे, जिसके कारण उनको काफ़ी दुर्घटनाएं उनको हुई और काफ़ी उनको चोटें भी लगी। तो जब ये सारी समस्या वहाँ की जनता ने मेरे समक्ष रखी तो मैंने उनके लिए उनको नालों को ढकवाने का काम करवाया और उनको वहाँ पे जो नई सिल्लियाँ जिसे मजबूत सिल्लियाँ जिसे हम बोलते हैं वो वहाँ पे लगाई गई और आज जो है वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, सब जो है सुरक्षा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, क्योंकि ये काम सरकार करती है और सरकार से काम कराना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपका माध्यम क्या रहता है, किस तरीके से आप सरकार को इतना मजबूर करते हैं क्योंकि वो आपके लिए ये काम जल्द से जल्द करे, ये माध्यम क्या है, तरीका क्या है आपका? माध्यम सर यही है, जनता का प्यार है, जनता की शक्ति है। जब तक हम जनता की समस्या हम जब डिपार्टमेंट के पास समक्ष नहीं रखेंगे, डिपार्टमेंट यानी कि एक विभाग होता है, जरूरी नहीं होता कि हम अपनी समस्या को लेकर किसी बड़े अधिकारी के पास जाएं। अधिकारी कौन होता है? अधिकारी वो होता है जो डिपार्टमेंट के अंदर लोग बैठे हैं। एक इंसान, एक नागरिक, एक व्यक्ति संवैधानिक के हिसाब से वह डिपार्टमेंट के पास जाके लोगों की समस्या, जनता की समस्या वहाँ पर रख सकता है और वह आराम से काम करवा सकता है। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर एजुकेशन का भी काम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है एजुकेशन उनके पास नहीं है, जिसके कारण उनको काफ़ी तरह की समस्या जो है वो महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन मैं युवा हूँ, जब मेरे सामने ये सारी समस्या आती है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपनी बल बुद्धि का इस्तेमाल करके सामाजिक कार्यों को कर सकूँ ताकि
उनको कोई समस्या ना हो। एक चीज़ और बताइए हमें कि जब आप ये समस्या विभाग में लेके जाते हैं तो आपको कभी उनके साथ ऐसा मतभेद लाता नजर आया है कि वो आपके काम की अनदेखी करें या ना करें, या कुछ भेदभाव जिसे हम कहा जाता है जो हर जगह होता है, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है? देखो जी, ऐसा तो खैर मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिस व्यक्ति के पास एजुकेशन है, उसके साथ कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई भेदभाव हो सकता है, क्योंकि हम संवैधानिक रूप से अपना कार्य करवा रहे हैं, कानून के तहत हम अपना कार्य करवा रहे हैं, और इसमें शासन का भी कहीं ना कहीं रोल बनता है कि जो काम पहले होने थे वो डिले क्यों हुए जब आपके पास फंड आया है। क्योंकि एक विधानसभा जो तैयार होती है या कोई कार्यपालिका जब तैयार होती है, वो विधानसभा के तहत ही जो है वो जो है तैयार होती है, क्योंकि विधानसभा जो है शासन प्रशासन के लोगों को फंड प्रोवाइड करती है। तो एक व्यक्ति, एक नागरिक होने के नाते, वह व्यक्ति अपना डिपार्टमेंट के पास जाके, विभाग के पास जाके अपना कार्य पूरी तरीके से करा सकता है, कोई इसमें कोई समस्या नहीं है। एक हम और जानना चाहते हैं, जैसा कि सोशल वर्क आप कर रहे हैं, तो आपके भविष्य की योजनाएं क्या हैं, मतलब किस तरह से आप इसको एज ए सोशल वर्कर ही आप आगे जाएंगे, या कोई और माध्यम भी है आपके दिमाग में जो चलता है कि मुझे ये करना है? जी बिल्कुल, वो बात मैं आपकी समझ गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एज अभी बस मेरी जो विचारधारा वो यही है कि छोटी मोटी समस्या जो जैसे लोगों की आती है, तो उसको मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, अपनी बलबुद्धि के हिसाब से, और सामाजिक कार्य जो लोगों की समस्या निरंतर बनती जा रही है, जैसे पानी की समस्या हो गई, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे इतनी एप्लीकेशन लगाई गई, कम से कम 40 एप्लीकेशन हमारी गली से जा चुकी है, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। जब मैं उनके कार्यालय में गया, मैंने एप्लीकेशन देखी, तो वहाँ पे वो एप्लीकेशनों पे खाली जो है डस्ट जमा हुआ था, धूल जमी हुई थी। जब वो एप्लीकेशन मैंने देखा, कम से कम 18 ब्लॉक तो क्या, त्रिलोकपुरी की जो अलग अलग जो ब्लॉक हैं उनकी भी एप्लीकेशन मैंने पढ़ी, लेकिन उन पे जो है कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ अलग से माध्यम निकाला कि इसकी इस समस्या को ऊपर तक कैसे लेके जाया जा सके। जब इस समस्या को मैंने निवारण किया, तो मैंने सीधा डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट किया, डिपार्टमेंट के लोगों को अपनी समस्या बताई, मैं लोगों को भी लेके गया, उन्होंने भी अपनी समस्या बताई कि और सभी बड़े बुजुर्गों के अथक प्रयासों से इस कार्य को क्या गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे ही लोगों की, जनता की समस्या का निवारण करता रहूँ, बस इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं है, और मैं ऐसे ही लोगों की जनसेवा करता रहूँ। जनसेवा करना अच्छी बात है, पर मुझे मेरे सवाल का भी जवाब नहीं मिला। मैंने कहा कि आपकी जनसेवा का माध्यम ठीक है, अच्छी बात है, लोगों की मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि आप जैसे युवा आगे नहीं आएंगे तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। पर जनसेवा के साथ साथ मैं आपसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ कि आने वाले फ्यूचर की प्लान क्या है आपकी, क्योंकि देखिए जनसेवा आदमी जब करता है जब खुद सक्षम हो। जी बिल्कुल, मैं सीधा सीधा आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे करेंगे आप आगे? अगर कल को राजनीतिक जो फैसले होते हैं, क्योंकि राजनीतिक फैसले जो होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सामाजिक और राजनीति में काफ़ी अंतर होता है। एक व्यक्ति होता है सामाजिक, लेकिन जब वो राजनीति में प्रदर्पण अपना करता है, राजनीति में कदम रखता है, तो फिर वो सामाजिक जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन अब एक तो पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन होता है, एक राजनेता होता है, जो वो भी सोशल वर्क ही कर रहा होता है एक तरह से, और जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है वो भी एक तरह से सोशल वर्क होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, या तो राजनेता बन के कर लो, या तो सोशल वर्कर बन के कर लो। अगर कल को जैसा आपने कहा कि मैं सीधा सीधा यही पूछना चाह रहा था आपसे, क्या राजनीति में जाने का आपका आगे चल के भविष्य में मन है? बिल्कुल, आज की जो राजनीति है वो बाहुबल और मनी का इस्तेमाल करके लोग सत्ता में जो है आना चाहते हैं, और सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। अगर युवाओं को मैं तो यही बोलना चाहता हूँ सभी युवाओं से, कि आपको राजनीति में आना चाहिए। जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे, जो लोग बाहुबल के दम पे मनी का इस्तेमाल करके, पैसों का इस्तेमाल करके सत्ता को हड़पने का काम करते हैं, और सत्ता का इस्तेमाल कर जो है गलत कामों में किया जा रहा है, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, अच्छे युवा नहीं आएंगे, पढ़े लिखे युवा नहीं आएंगे, तो कब कैसे हमारे देश का भविष्य सुधरेगा? तो अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करके युवा राजनीति में भी आए, और राजनीति में परिपक्व उनको होना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक फैसले जो होते हैं वो तभी फैसले वो ले सकते हैं जब तक वो सत्ता में नहीं आएंगे। ये जैसा आप सुन रहे थे, ये नवीन हैं, नवीन चंदेलिया जी, जो लोगों की मदद के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। और अब हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे नवीन जी के बारे में कि वो किस तरह से लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं, उनकी परेशानियों को प्रशासन तक लेके जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं।
क्या परेशानियां रही आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ पर काफ़ी टाइम से परेशानी थी पानी की, जो कि अब सॉल्व हो चुकी है। बस ये थोड़ा गटर का है, ये बहुत गंदगी रहती है, और हमारे सामने पार्क है, इसमें काफ़ी गंदपना रहता है, मतलब गंद लैंग्वेज। एक चीज़ बताइए मुझे, जो नवीन जी हैं ये आप लोगों की मदद करते हैं इस काम में? बिल्कुल, अभी चल रहा है, इनको बताया, हमें तो पता है, पता लगा बच्चा ये काम कर रहा है तो बहुत अच्छा लगा है, मगर अभी ने कहा है कंप्लेंट में, तो देखो अब करते हैं, करवाएंगे जरूर ये काम। कुल मिला के अभी जो काम हो रहा है यहाँ पर, अब जो पाइपलाइन है सीवर, इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, बहुत आराम है। और क्या परेशानियाँ हैं आपकी जो आप सरकार तक पहुँचाना चाहती हैं? यहाँ पे अभी कैमरे की सुविधा नहीं थी, अब ये कैमरे की सुविधा सुनने में आ रही है कि कम्प्लीट हो जाएगी, तो अब देखते हैं। बाकी ये पार्क है और ये लाइन का हो ही गया सिस्टम हमारा, पानी की बहुत दिक्कत थी हमें, 10-12 साल हमने प्रॉब्लम। अच्छा, तो कुल मिला के यहाँ अभी तक पानी नहीं था, सरकारी जो पानी होता है? हाँ, गटर लाइन प्लस थी उसके साथ, तो हमारे को बहुत दिक्कत होती थी, बच्चे लोग सभी लोग बीमार वगैरह रहते, पानी था, पानी बहुत गंदा था। चलिए ठीक है, जैसा आपने देखा, और अब हम और आपको मिलवाते हैं कि लोगों को समस्याएं बहुत हैं एक्चुअली, तो हम पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार तक वो परेशानियां पहुंचें और लोग जागरूक हों और उनकी परेशानियों का हल निकले। एक और हमारे साथ महिला हैं जो अपनी परेशानियां बता रही हैं कि उन्हें क्या परेशानियां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। देखो भाई साहब, पहले तो पानी की लाइन थी, 10-12 साल से पानी की लाइन की समस्या थी, तो पानी की लाइन की अब भी पानी गंदा आ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि खुदाई जगह जगह हो रही है, उसकी वजह से पानी गंदा आ रहा है। पर जैसे पहले पानी जब आया था ना, अब पानी इस तरीके से नहीं आ रहा है, रात को और सुबह ही पानी आता है, ठीक है। और सीवर की कंप्लेंट है कि हमारे घर के दरवाजों पर लाइटिंग निकल रही है, 3 बार कंप्लेंट करके आ गए हमारे जेठ, उससे कोई उन्होंने सुनवाई नहीं करी, 2 बार आ गए, मशीन लगा के गए हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और पार्क का देखो, बच्चे खेल नहीं सकते इस पार्क के अंदर, पार्क की देखो कितनी गंदगी हो रही है, ना सफाई हो सकती है, क्या बच्चे खेलेंगे तो सफाई होगी? क्योंकि बच्चे ही करते हैं सफाई और जब भी खेलते हैं, नहीं तो कोई इस पार्क के अंदर खेलने नहीं देता, कोई सुधार नहीं है इस पार्क के। 20 साल हो गए मेरी शादी को, अभी तक इसके अंदर ना 4 पेड़ पौधे लगे, और आगे जाके पार्कों में देखो कितनी सुविधा है, पर इस पार्क का कभी कुछ नहीं हुआ। पर सरकार तो कहती है कि हम बहुत विकास काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार को आगे लेके आओ, हमारे सामने बात कराओ। और हमारे इधर का विधायक है, जब उसे वोट लेने होते हैं वो जब भी आता है, वैसे अपनी पब्लिक का कुछ नहीं देखता कि क्या हो रहा है मेरी पब्लिक के पास, किसी की क्या समस्या है, आना तो चाहिए, ये नहीं है कि वोटों के टाइम पे ही आओगे तुम शिकल दिखाने के लिए। हम यहाँ पर आए थे, हमने उनसे बोला था कि यहाँ पर आके देखो क्या हो रहा है, उस टाइम भी पानी की और सीवर की कंप्लेंट गई थी, तब भी उन्होंने इतने साल से कोई कंप्लेंट नहीं करी है। हम बार बार प्रीत भिहड़ गए, 3-4 जगह गए थे, जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमने हार के यही पानी पिया और बिल दिया है, अब तक बिल दे रहे हैं हम। तो आपका क्या ये मानना है कि पानी गंदा आ रहा है उसके बावजूद भी आप बिल पे कर रहे हैं? बिल तो पे कर रहे हैं, हमारा बिल आया हुआ है, आप बिल देखो, हम सबूत दिखाने के लिए तैयार है, पूरी गली दिखाने के लिए तैयार है। अब भी वो पानी वाला ये कह के गया है कि 2 कनेक्शन कराओ, किसी की 8-10 हज़ार रुपए आमदनी है, वो 2 कंप्लेंट करा के क्या करेगा बताओ जरा, ठीक है। वैसे तुमने पानी फ्री कर रखा है, किस चीज से फ्री कर रखा है, जब 4-5 हज़ार रुपए पानी का बिल भरेंगे तो। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, सरकार बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं कर रखी, बच्चों के लिए सारी जगह कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज लगे, हमारी गली में कोई सुविधा नहीं है, बच्चों के इतनी आमदनी नहीं है, बिजली का पानी का बिल दे रहे हैं ना, कोई है इंटरनेट वगैरह का। अच्छा, एक चीज बताइए, सरकार पानी कहती है कि 200 लीटर फ्री दे रहे हैं और बिजली भी फ्री दे रहे हैं, तो आपको जो सुविधाएं हैं वो मिल पा रही है, आपका बिल या जो भी है वो फ्री? तो हम पैसा खर्च करेंगे, ठीक है ना, 4-5 हज़ार रुपए के मीटर लग रहे हैं, जब जाके सुविधा उठाएंगे, ठीक है ना। अगर 4 मीटर लगवा लिए, 5-5 हज़ार रुपए हमने उनमें भरे हैं, अगर 200 लीटर वो पानी होता है, मैं बत्ती फूकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो पूरा बिल लग के आ जाता है, तो फायदा क्या है फिर उस चीज से? समस्याएं देख रहे हैं आप, समस्याएं बड़ी हैं, वो डबल लग के आ जाता है तो पब्लिक कहां से देगी? सरकार के वायदे कभी कभी हमें ढकोसले नजर आते हैं, जो वो कहती है वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आते। इनकी परेशानी बड़ी है, ऐसे ही और लोग हैं जिनके बारे में हम और पूछते हैं कि और क्या चर्चाएं हैं और क्या परेशानी है लोगों की। जी, इन गली का गंदा पानी बहुत आता था, लैटरिन का पानी आता था सारा, जब हमने सबने मिलके अपने बच्चे से बोला तब हमारे लड़के ने कराया, ठीक है ना, हाँ, और अब अच्छा पानी आ रहा है। परेशानियाँ बहुत है, एक अम्मा है हमारे पास, बूढ़ी माता जी है, इन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत साल यहाँ दिए। माता जी, एक चीज बताइए। हाँ, बोलो बेटा। पहले और अब में कुछ परिवर्तन है? बेटा, पहले में इतना तो था, थोड़ी कमाई तो थोड़े में जिंदगानी अपनी सफल खूब अच्छी हो रही थी, और अब बेटा इतनी कमाई इतनी सुरी बेकार हो रही है, क्या फायदा है बेटा,
ऐसे बाँध है गंदा पानी और इतना लेटरिन का पानी, उसका पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, सब बीमारी में ही लगा रहे हैं। आप थोड़ा सा हमारा उसका लेटरिन का न्यू देख के आओ, ऊपर तक भर रही, उससे हम बीमार होंगे कि क्या होगा, हम लेटरिन कहाँ जाए, हमारे से बैठा जाए ना उठा जाए, हमें इतनी समस्या है। तो अम्मा आप ये बताइए, आप वोट करती हैं सरकार को, इसलिए करती हैं कि आपके लिए सुविधाएं दे, तो जो सरकार है और सरकार के नुमाइंदे हैं वो आपकी बात सुनते नहीं, आते नहीं यहाँ पर वोट मांगने के अलावा, उसके बाद मांगने आते हैं उसके बाद में नहीं आएंगे, चाहे हाथ जोड़ो चाहे एप्लीकेशन लिख के हजार दिया, लेकिन जब तो हाथ भी जोड़ो। जैसे कि वृद्धा पेंशन और बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपको उनका लाभ मिल रहा है? पेंशन तो मिल रही है बेटा, हाँ पेंशन तो मिल रही है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तीन तीन महीने बाद आते, कभी कभी आते, पेंशन से थोड़ा गुजारा हो रहा है हमारा, बस पेंशन जरूर मिल रही है। दवाई गोली का अच्छा, तो निकली जा रहा है। आप अब क्या कहना चाहते हैं सरकार से? अब सरकार से यही कहना चाहते हैं, ये हरी बीमारी है, नरक पानी है, लेटरिन घरों में भर रही है, कीड़े रेंग रहे हैं, तो इससे तो बीमारी और ज्यादा होंगे। आपको भी बास आ रही होगी वैसे तो, आप बैठे हो तो। अब जो माता जी जैसे अभी नई लाइन पड़ रही है, आपको उम्मीद है कि इस बार पानी साफ? उम्मीद तो है, वैसे उम्मीद तो है, उम्मीद है, उम्मीद तो है, लेकिन अब देखें आगे क्या होता है। जैसा कि आपने देखा, समस्याएं बहुत हैं और बड़ी हैं। सरकार हमेशा वायदे कर देती है लोगों को, और वायदे भी जब करती है जब उन्हें वोट चाहिए होता है। नई लाइन पड़ी है, लोगों को उम्मीद है कि नया पानी होगा। अब देखते हम भी है कि इनकी उम्मीद कितना खरी उतरती है, और क्या इनको पानी साफ मिल पाएगा नहीं। ऐसे और लोग भी हैं हमारे साथ, समस्याएं बहुत हैं। एक समस्या और, लाइन है ये लाइन पड़ी थी ना, एक्सएल भगत ने लगाई थी। अच्छा है, जब पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, पानी रात और दिन नलों में नहीं आता था। माता जी एचकेएल भगत की बहुत पुरानी बात बता रही है, उसके बाद कभी यह लाइन ही नहीं पड़ी? नहीं, अब ये तो अब खुदाई हुई है, अब तुम देख लो कैसा लोगे उसको, एक्चुअल भगत को गए हुए। इसका मतलब तब से वही लाइन चली आ रही थी, जैसा गंदा संदा पानी था उसको हजम कर। तो अब तो सरकार नया डलवा रही है, तो आपको अब उम्मीद है कि पानी मिलेगा? मेहरबानी होनी चाहिए, कुछ हमारे जैसों की होनी चाहिए, बच्चों की मेहरबानी होनी चाहिए जो आगे बढ़े। हम एक एक बजे दो दो बजे जाओ, हमें कोई मार जाए या छेड़ जाए, पानी बढ़ते थे क्या। देखिए सरकार को सोचना होगा, अगर वोट का हक उनको है पाने का, लोग तभी वोट करेंगे जब उनकी समस्याएं हल होंगी। लोगों की उम्मीदें बहुत होती हैं सरकार से, वो चाहती है कि कुछ अच्छा करे सरकार, कुछ अच्छा आई। आइए हम कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। समस्याएं तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और समस्याएं थोड़ी बड़ी हैं, लोगों के जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे हैं, समस्याएं बच्चों की भी होती है, और हम उन्हीं के मुंह से उनकी समस्या जानना चाहते हैं। बेटा क्या परेशानियां हो रही हैं आपको आजकल? हमारी क्लास में होती नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ नेटवर्क नहीं आते फोन में? यहाँ पे थोड़े आते हैं, सिर्फ ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है छत पे। तो इसका मतलब वाईफाई की जो सुविधा है वो आपको मिल रही है यहाँ? नहीं, वाईफाई नहीं है। नहीं है तो आपका सीधा सा मतलब कि सरकार आपके जो फोनों में सिग्नल आते हैं उसको थोड़ा सा अच्छा करे, यानी कि टावर लगाने की सुविधा दे ताकि आप अच्छी तरह पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा और क्या समस्या है? और पार्क में हम खेलते हैं, खेल नहीं पाते बच्चे, कहीं और जाके खेलते हैं। क्या पार्क में खेलने नहीं देते? खेलने तो देते हैं, पर ये सब पार्क लगा लेते हैं, इसके पार्क के गेट को बंद कर देते हैं। अच्छा आप ये बताइए, अपने मुख्यमंत्री जो कहते हैं हम तो बच्चों के लिए बड़ा काम करते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो सुन रहे हैं आपकी बात, क्या कहना चाहेंगे आप अपने केजरीवाल साहब जो मुख्यमंत्री हैं, या फिर मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हैं, आप सीधा उनको कहिए जो उनको कहना चाहते हैं, क्या चाहिए आपको उनसे? फुल नेटवर्क आए और बच्चों को खेलने दिए जाए पार्क में, और वाईफाई और स्कूल खुल जाए। जैसा कि परेशानियां बच्चों को भी हैं, और बड़ी मासूमी सी परेशानियां हैं उनकी, वो आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि हमारे सिग्नल्स अच्छे कर दो, हमारे लिए वाईफाई कर दो ताकि हम पढ़ाई अच्छे से कर पाए। बच्चियां हैं छोटी, लड़कियां दूर दूर, और उनकी कोई खास डिमांड भी नहीं है, बहुत छोटी सी डिमांड है। सरकार को गौर करना चाहिए क्योंकि यह भविष्य है कल का। आइए और मिलवाते हैं कुछ लोगों से आपको। यहाँ हमारे साथ यहाँ के निवासी हैं, और इनसे ही जानेंगे क्या समस्या है और कैसे समाधान होता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, नवीन जी हैं, वो कैसे आपकी मदद करते हैं? जी पहले आप अपना नाम बताइए। शिव नारायण है मेरा नाम। आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं सर, मेरा काम ये है कि पहले तो हमारा सेवर का काम होना चाहिए, ठीक है,
दूसरा काम है हमारा पार्क और तीसरा काम है पेड़ों की छटाई और बाकी जो काम है जैसे कि बेरोजगारी ज़्यादा है। अब यहाँ पे 90% बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, 10% लग रहे हैं वही छोटे मोटे काम में, बाकी ये है। और अपना साफ सफाई पार्क के है नहीं, ना कोई पेड़ पौधे लग रहे ना कुछ, कितना गहरा गड्ढा है, इसमें पानी भर जाता है। ये कौन से ब्लॉक का पार्क है? 18 ब्लॉक का, 18/475 का। आपके जो यहाँ के नेता हैं या आपके जो एमएलए हैं, उनसे आप कंप्लेन करते हो, वो नहीं सुनते इस मामले में? अरे जी वो कहाँ सुनते, वो तो उसी दिन शकल दिखाने आते हैं बोर्ड के लिए बस, उसके बाद कौन सा आता है यहाँ पे, कोई नहीं आया किसी, अभी तक नहीं आए। इतनी कंप्लेंटें दी हैं हमने एप्लीकेशन इनके लिए पानी के लिए, जब बेचारा वो लड़का हमारा थोड़ा समझदार है नवीन, उसने एक काम करवाया, मैंने कहा बेटा हम तो अनपढ़ हैं, आप ज़रा कोशिश करिए। कुल मिला के समस्याएँ बहुत हैं, समस्या बहुत है जी, देखो और सरकार को विचार करना होगा कि वोट जो लोग देते हैं उनकी उम्मीदें होती हैं कि वो उनके लिए कुछ अच्छा काम करेगी, और हम चाहते हैं कि इस उम्मीदों को पूरा करें। और हम आपको कुछ और भी दिखाएंगे, परेशानियां हैं, समस्याएं भी हैं, चलिए और दिखाते हैं आपको समस्याएं क्या हैं। पार्क की दुर्दशा आपने देखी, इस इलाके में ऐसे छोटे छोटे पार्क हैं, क्योंकि रिहायशी इलाका थोड़ा बड़ा है, तिल्लोकपुरी की बात कर रहे हैं। खेलने की बात करें बच्चों के पास तो कुल मिला के ये छोटा सा पार्क है, और इसकी हालत आप देख ही रहे हैं, ठीक नहीं है। बच्चों की परेशानियां हैं जो हम जानेंगे बच्चों के मुंह से। हाँ बेटा, पार्क में क्या क्या परेशानी है? पार्क में गंदगी है, पार्क में गंदा है, बहुत गंदगी है, और झूले भी नहीं है इधर, और पेड़ पौधे की समस्या है, पेड़ पौधे इधर है ही नहीं। सफाई करने नहीं आता कोई? कोई नहीं आता, नहीं हमने बस नहीं आता, एक बार हम करते, दो तीन बार सफाई करी थी हमने, फिर दोबारा गंदगी हो गई थी। क्या चाहते हो? झूले लगवाने अंकल, अंकल हमें झूले लगवाने और सफाई लगवानी है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत गंदगी रहती है और गंदा रहता है, बहुत उल्टा सीधा पड़ा रहता है, इसलिए हमें हमें थोड़ी सी यहाँ सफाई चाहिए। हाँ, थैंक यू। ये जो समस्या है, मैं थोड़ा मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब मासूमियत के साथ और मासूम सी डिमांड की जाती है तो मुस्कुराहट आ ही जाती है, पर समस्याएं बड़ी हैं, मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे कल का भविष्य हैं और इनका भविष्य संवारना सरकार का काम है। ये बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहे, छोटी सी डिमांड है, सरकार को गौर करना पड़ेगा। सवाल ये है कि बड़ी बड़ी परेशानियाँ, अच्छी बात है आपने की, पर ये बच्चे जो है ना, इनकी मासूम सी परेशानियाँ हैं, हम चाहते हैं कि आप इसके लिए थोड़ी भागदौड़ आप करें, और अगर नहीं होता है तो फिर हम आएंगे, फिर हमसे आप बात करें, फिर हम सरकार तक ये पहुँचाएंगे कि इनकी जो मांगे हैं वो सुनिश्चित की जाएं। मैं इन बच्चों को आश्वासन देता हूँ, और आज मेरे बड़े बुजुर्ग भी और मेरे सभी युवागण, और मैं जनन न्यूज़ के माध्यम से मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन बच्चों ने अपनी समस्या बताई, चाहे पार्कों में झूलों की समस्या हो, पार्कों का निवारण क्या, निवारण की जो इन्होंने बताया कि निवारण किया जाए, मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि अगली बार जो एक्शन लिया जाएगा वो इन बच्चों की समस्या का एक्शन लिया जाएगा, और मैं इनको आश्वासन पक्का कन्फर्म करता हूँ कि चाहे मुझे किसी निगम पार्षद के पास जाना पड़े, चाहे विधायक जी के पास जाना पड़े, किसी के भी पास जाना पड़े, मैं अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करके इनकी समस्या का निवारण क्या जाएगा मैं। तो जैसा कि नवीन जी बता रहे थे, सिल्लियों की परेशानी थी, अब वो ठीक हो गई है? अब बिल्कुल ठीक हो गई है, कई बार उसमें बच्चे गिर गए, कई बच्चों को चोट भी लगी, कई बच्चों की बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ कई बंदों का, तो मैंने इनको अपनी परेशानी बताई, मैं कई जगह गया किसी ने सुनाई नहीं करी, पर मैंने इनको अपनी परेशानी बताई तो इन्होंने एक लेटर लिख के और पत्र लिख के वहाँ पहुँचाया, इससे वो काम हुआ। तो कुल मिला के ये परेशानी में आपके काम आते हैं, काम कर रहे हैं आपके लिए? जी इन्होंने बहुत काम करा, वो नाले पे पटरी गिरा दी, मजबूत पक्की है, जब से कोई बच्चा नहीं गिर रहा, अपना ठीक ठाक अपना आराम से बैठ रहे। जैसा कि आपने परेशानियां देखी, परेशानियां बहुत हैं, परेशानियों की छड़ी है, हम परेशानियां पहुंचाते हैं सरकार तक लोगों की, क्योंकि उनका अधिकार है सरकार से सवाल पूछना।
क्योंकि वो वोट देते हैं, उनका हक है अपनी मूलभूत सुविधाओं पाना। और हमने समस्या बड़ी भी बताई, छोटी, और उन मासूम बच्चों की भी समस्या बताई जो आज हमारे साथ शायद इस उम्मीद में हैं कि शायद उनकी जो छोटी छोटी डिमांड वो सरकार पूरी कर देगी। हम भी चाहते हैं कि सरकार इसको देखे और सुने और इन बच्चों के भविष्य संवारने के लिए जो प्रयास कर रही हैं उसमें एक और बड़ा योगदान दे, इनके खेलने की सुविधा, पार्क को ठीक करें, इनके लिए झूले लगा दे और इनके वाईफाई की जो सुविधाएं, नेट नहीं आता, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, स्कूल बंद है कोरोना के कारण, तो उस पर भी सरकार ध्यान दे। इस कड़ी में इतना ही। JNN न्यूज़ फिर एक नई कड़ी को लेकर, नई समस्याओं को लेकर आपके सामने होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।